दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत परसवाहा के मोड़ पर बनबार पुलिस चौकी के वाहन और बाइक सवार युवकों के बीच में हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जहां सड़क पर जाम लगाकर देर तक विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं बाद में दोनों के शवों को जबीरा के अस्पताल ले जाया गया था, जहां भी देर तक हंगामा भरे हालात बने रहे थे। इस दौरान दमोह से एडिशनल SP आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन परिजनों को गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, जिसके बाद दमोह से SP राकेश कुमार सिंह जबेरा पहुंचे। उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा उनके लिए हर संभव मदद दिलाने और न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान SP ने बनवार चौकी प्रभारी रमा शंकर मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दरअसल यह गाड़ी जिसने बाइक सवारों को टक्कर मारी है, वह चौकी प्रभारी श्री मिश्रा के द्वारा ड्राइव किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इस मामले में SP का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस दुर्घटना में जो दो लोगों की जान गई थी, उस पर थाना प्रभारी द्वारा FIR दे दी गई है। देहाती नाल से हुई है, असल नंबर पर कायमी के बाद FIR उनको कल प्रदान कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वाहन लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले ASI चौकी और चौकी प्रभारी रमा शंकर मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उसकी जांच कराई जा रही है, और साथ ही साथ हम आज परिजनों से मिलकर उनको दिलासा देने और उनका दुख बांटने का प्रयास करें। जी,